सो चाची प्याज काट रहे हैं और चाचू आप फिश बना रहे हो, इधर देखो जरा। फिश की चॉपिंग चल रही है। फिश किसकी फेवरेट है? मेरी। ये तो हम और बना रहे। और अभी चाची फ्रिज में से सामान निकाल रहे हैं। चाची ने निकाला नींबू, अब नींबू की कटिंग हो रही है और चाचू ये फिश काट रहे हैं। फिश की कटिंग करें क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? फिश तंदूरी तवा फ्राई। क्या बना रहे हैं? फिश तंदूरी तवा फ्राई, जिसको आप एक बार खाएं और खाते रह जाएं। फिश तंदूरी तवा फ्राई। वाह वाह वाह। और चाची ने एक तरफ नींबू काट दिया और प्याज भी काट दिया। हाँ। और तंदूरी फ्राई को हम करेंगे रोल, मतलब फिश तंदूरी फ्राई शोरमा बनाएंगे हम। और इसको फिश को फ्राई करेंगे और उसका शोरमा बनाएंगे, उसको शैलो फ्राई करेंगे तवा में। ठीक है, तो फिश तंदूरी है तवा फ्राई, फिश तंदूरी तवा फ्राई शोरमा। पानी नहीं छूटता, उसका सारा पानी निकल जाता, उसका पानी सारा निकल जाता। यस। और वो अच्छे से फिश के ऊपर चिपकेगा, अगर निकल जाएगा ना, पानी रहेगा ना तो फिश पे चिपकेगा नहीं, वो निकल जाएगा। और पानी नहीं रहेगा तो वो फिश के ऊपर बहुत अच्छे से चिपकेगा। सो अब फिश की चॉपिंग हो गई है। मुझे लगता नहीं है कि दही चाहिए इसमें, थोड़ा चाहिए फिश के साथ दही। और नींबू और प्याज की कटिंग हो गई है, नींबू और प्याज की। और हम फिश के छोटे-छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे-छोटे करो। जो चाची ने अब जूस बनाया है, खाते पीते रहने का। और चाचू ने उसकी चॉपिंग लगभग कर दी है। किसकी? फिश की। फिश की चॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। और चाची अब आप क्या करोगे? अभी मैं जूस पीऊंगी। ओके, जूस पीने के बाद? जूस पीने के बाद चाचू को हेल्प करूंगी। और चाचू आप इसके बाद में क्या काटोगे? मैं इसके बाद तो कुछ काटने का नहीं है, बस मिक्स करना है, उसको मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके तो 15-20 मिनट रखेंगे, तब तक तुम, मैं, चाची अपन जूस पियेंगे। अपन जूस पी के ठंडे होंगे, तब तक अपना फिश मैरिनेट हो जाएगा और मैरिनेट होने के बाद फिर हम उसको करेंगे शैलो फ्राई। तभी में शैलो फ्राई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रोटियां लेंगे, तो हमने बहुत सारी रोटियां बनाई हैं। वो रोटी के अंदर जब वो शैलो फ्राई हो जाएगा, फिर रोटी के अंदर सॉस लगाएंगे। सॉस लगाने ना उसके चिकन से गार्निश करेंगे, चिकन रखेंगे, फिश रखेंगे। फिश के बाद उसके ऊपर हम चॉप्ड अपना प्याज रखेंगे, प्याज के साथ फिर हम थोड़ा सॉस डालेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी डालेंगे, फिर उसके थोड़ा शिमला मिर्च डालेंगे। अब जो जो चीज़ अवेलेबल है वो डालेंगे, जो नहीं अवेलेबल वो नहीं डालेंगे। ओके। उसको हम उसे सॉस करेंगे और उसको फिर रोल करेंगे, रोल करके उसको बढ़िया से आगे पीछे ऐसा सेकेंगे और सेक के फिर हम पनीर को देंगे, फिर पनीर बताएगा कि उसका टेस्ट कैसा लग रहा है। ओके, अब पॉज करूं। चाची ने अभी फिश के ऊपर दही डाल दिया है। अब चाचू करेंगे मिक्स। अब चाचू मिक्स करेंगे। सो चाची का काम हो गया, अब चाचू इसको मिक्स करेंगे। चाचू अब इसमें क्या डाल रहे हो? अभी ये सीक्रेट मसाला है जो सबके घर में होता है, कोई बताता नहीं है, जो अपने घर का नहीं है मगर फिर भी अपने घर का है। तो ये सीक्रेट मसाला इसमें डालेंगे हम। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में तंदूर मसाला, चिकन तंदूरी मसाला हमने डाल दिया। ठीक है, और इसको हम अच्छे से घुमाएंगे और उसके लिए हम लेंगे एक चम्मच बढ़िया वाली। ठीक है, और ये चम्मच जो हम लेंगे, ये चम्मच में हम देखेंगे तो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अब इसको हम चाचू अभी मिक्स कर रहे हैं। ये हमने कर दिया,
चाचू इसको मिक्स करने के बाद इसका क्या करना है? इसको मैरिनेट होने के लिए रखना है, इसको मैरिनेट होने के लिए 15-20 मिनट ज्यादा टाइम रखनी है कि फिश है, फिश फटाफट मैरिनेट हो जाती है। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया मैरिनेट, तब तक हम सो अब चाची आप फ्रिज में से क्या कर रहे हो? ये निकाली मैंने धनिया। अब आप धनिए से क्या करोगे? धनिया काटूंगी गार्निश के लिए। ओके सो चाचू ने मिक्स कर दिया। ये देखो इसका फ्लेवर कितना अच्छा है, कलर कितना अच्छा है, मेरा तो आ रही है अच्छा, इसका भी कितना अच्छा है। ये देखो मैंने किया हुआ। ठीक है, इसके अंदर हम थोड़ा सा कसूरी मिर्च डालेंगे और एडिशनल गुड फ्लेवर्स के लिए खड़ा कसूरी मिर्च, तो उससे और मस्त हो जाएगा। ठीक है, और मजा भी आएगा। सो एक तरफ चाची ने ये धनिया वॉश कर दिया है अच्छे से, और एक तरफ चाचू ने इसको मैरिनेट कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी एडिशनल फ्लेवर के लिए। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कसूरी मेथी को हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते। हिंदी में इसको कसूरी मेथी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं चाची बताएगी? इंग्लिश में कसूरी मेथी बोलते हैं। ओके, अब चाची ने जूस पी लिया है और बाकी है। और एक तरफ चाचू हाथ धो रहे हैं, मैरिनेट करा इसलिए, और एक तरफ चाची ने धनिया वॉश करके अच्छे से यहाँ पर रख दिया है, उसके बाद में वो धनिया फ्रिज में डाल दिया जो एक्स्ट्रा था। वेरी गुड, तो इसको हमने रख दिया मैरिनेट करने के लिए। ये हमारे कैमरामैन मिस्टर परिन खत्री हमारे साथ, तो परिन खत्री को बताना चाहता हूँ कि इसको हमने मैरिनेट करने के लिए 10-15 मिनट मैरिनेट होगा, तब तक परिन आप अपना जूस पियोगे, अपना जूस पियोगे वो खत्म होगा तब तक ये मैरिनेट हो जाएगा, मैरिनेट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये फिश को करेंगे शैलो फ्राई। ये तवा है, ये तवे के ऊपर रख के उसको हम धीरे धीरे शैलो शैलो फ्राई करेंगे। मस्त फ्राई होने के बाद फिर हम आगे की रेसिपी कंटिन्यू करेंगे, और जैसे भी हम उसको फ्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे ये कैसा लगता है। ठीक है, सो चाचू ने ये लिए हैं, ये सॉसेस लिए हैं मिंट मेयोनीज, ग्रीन मिंट, थाउजेंड आइलैंड और थाउजेंड आइलैंड मस्टर्ड सॉस, ये सब हम अब ये सब वेज मेयोनीज और पिचकू, ये सब ये सारे सॉसेस अब हम डालने वाले हैं फिश में। सो अभी चाचू चाची अभी काम कर रहे हैं, सो मिलते हैं अगली वीडियो। सो ये वाला सॉस भी हम अब डालने वाले हैं फिश में। सो चाचू अब आप क्या काट रहे हो? अब हम गार्निशिंग के लिए पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, ओके, टमाटर, हाँ, और ये एक हरी मिर्च जो मोटी वाली हरी है, ठीक है, वो थोड़ा सा काटेंगे। ये देखिए ये यहाँ पर हमारी चाची हरी मिर्च काट रहे हैं, और हरी नहीं सॉरी शिमला मिर्च, और यहाँ पर हमारे चाचू ने इसको काट दिया है अच्छे से। ओके, ठीक है, इसको इतना फाइन चॉप करना चाहिए। चाची ने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक तरफ चाचू ने चॉप कर दिया अच्छे से, और चाची आप क्या कर रहे हो? शिमला मिर्च काट रहे हो बेटा। और ये आप क्या निकाल रहे हो? ये शिमला मिर्च के अंदर का पार्ट होता है जो खाने के लिए नेसेसरी नहीं है। ओके, जिसमें सारे बीजे वगैरह होते हैं तो वो से निकाल देता। और हमारे चाचू अब टमाटर काट रहे हैं। टमाटर का वैसे करते हैं, टमाटर मैं काटती हूं, टमाटर स्पेशलिस्ट है चाची, तो चाची काटेगी टमाटर, क्योंकि उसको चाची काट रहे हैं अब टमाटर, और चाची ने शिमला मिर्च भी काट रहे हैं, और चाचू ने काट दिया। अरे गाड़ी आगे से टिकी हुई है, बिल्कुल हेक्सा, हां घिस दिए बोला वो,
वो ऊपर वाला कौन है इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला? हाँ। वो भी बोला कि प्रांजल ने गाड़ी एकदम टिका दी अंदर उसको। ये चाची ने इसको चॉप कर दिया, ये शिमला मिर्च, और ये चाचू ने ये भी चॉप कर दिया अच्छे से। ये लेना है ये? और चाचू नहीं, ये नहीं, वो तीखा होता है। और चाचू ने ये मिर्च काट रहे हैं, बट ये मिर्च हम डालेंगे नहीं क्योंकि थोड़ी तीखी होती है। ओके, ये मिर्च को हम जनरली विनेगर में डाल के एज अ पिकल खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। सब्ज वगैरह में अगर आप खाइए रोल में सब में। चाची जरा इधर देखो, आप क्या बना रहे हो? अभी चाची ने कर दिया। और तुम टमाटर डाल सकते हो जो मैंने पहले बताए थे, ये वो सारे सॉस। और हम रेडी है हमारा चिकन, और हम सारे चुका है। और हम रेडी है हमारा फिश, हमारी फिश रेडी हो रेडी हो चुकी है, मैरिनेट हो चुकी है, मैरिनेट हो चुकी है। ये देखो कितनी जूसी दिख रही है, कितनी जूसी दिख रही है, ये देखो। और ये चाची ने लगभग कर दी दिया। सो चाची आपको मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। स्पेशली मजा हमको इसलिए आ रहा है कि परीन हमारा शूट कर रहा है। ओके, और परीन को कैसा लग रहा है, कुछ बताए आपके बारे में? बहुत अच्छा। अब आप क्या खाने वाले हो परीन? फिश। फिश क्या हो? फिश, फिश तंदूरी। और चाची फिश तंदूरी टाकोज वी आर मेकिंग। ओके, तो ये धनिया और ये शिमला मिर्च और थोड़े से टमाटर काटेंगे, और ये मिर्ची के अंदर का भाग जो था ये खाना जरूरी नहीं है इसलिए ये यहाँ पर रख दिया है। और अभी के लिए इतना के अभी हमारी शिमला मिर्च चॉप हो गई है और चाची ने शिमला मिर्च यहाँ पर रख दी है, और चाची टमाटो भी काट रहे हैं। ये देखो, ये वो चीज़ें जो खाना इम्पोर्टेंट नहीं है तो चाची ने ये निकाल दिया। ये टमाटो के बीजे इसलिए निकालते हैं कि जब हम टमाटो सैलेड में यूज़ करते हैं तभी इसके बीजे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो इट गेट्स वेरी सॉगी वॉट एवर यू मेकिंग। ओके, दैट्स द रीज़न वी कट ऑफ ऑल दी आई मीन द इंटरनल पार्ट ऑफ द टमाटो। ओके, सो दिस इज हाउ वी चॉप इट। ओके, See, can you see? I've cleaned it thoroughly from inside, and now I'm gonna make okay big slices of this tomato. Okay. Okay. So. चाची अभी चॉप कर रहे हैं टमाटो। और ये प्याज, ये सब अब डलने वाला है हमारी फिश रेसिपी में, फिश तंदूरी टाकोस। हाँ चाची, फिश तंदूरी टाकोस में। और हमारे चाचू आ गए हैं, आप चाचू ये रेडी करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ऐसे 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 लग गई थी उसके ऊपर। बस परी ने एक बार जरा बोलू को देखते आ रहे। ओके, सो चाचू ने ये तगारी यहाँ पर रख दी है। सो ये चाचू ने यहाँ पर तवा रख दिया है। अब ये पूरी फिश इसमें जाने वाली है।
और अब ये सब कुछ चॉप हो गया अच्छे से। और अब ये कहाँ जाने वाला है चाची? अभी जाने वाला हमारे टैकोज में। ये सब डालके टैकोज बनाओ। और ये हमारे चाचू अब इसमें थोड़ी चटनी डालने वाले हैं, जो कि ये है वो सिर्फ चाचू और टैकोज के में डाले हैं। और चाची अब आप क्या काट रहे हो? कोरिएंडर चॉप कर रहे हैं। अब चाची काट रहे हैं धनिया, जिसको इंग्लिश में कोरिएंडर बोलते हैं। कोरिएंडर लीव्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोरिएंडर लीव्स। सो चाची ने ये भी चॉप कर दिया। और अभी चाचू ने ये गैस पे जो तवा रखा था वो तवे के अंदर थोड़ा ऑयल डाला चाचू ने, और अब शैलो फ्राई करने के लिए। और अब ये रेसिपी जाने वाली है। थोड़ा सा ऑयल गरम करने के रुकेंगे, ऑयल थोड़ा गरम होगा उसके बाद हम इसके अंदर फिश डालेंगे। ये मजा आएगा। ओके तो इसके बाद गैस को सिम पे रखेंगे, गैस को ज्यादा तेज नहीं रखेंगे। सिम पे रखेंगे तो अच्छे से पकेगा, तेज रखेंगे तो फटाफट फटाफट पक जाएगा वो। ओके अभी चाचू ने अच्छे से इसको पूरी तरह लगा दिया, पूरी तरफ लगा दिया है। और अभी चाची ले रहे हैं थोड़े से बादाम घी रोस्टेड ड्राई, थोड़े से चाची ले रहे हैं ये जिसको बोलते हैं काजू, और चाची अब आप क्या ले रहे हो? अभी हम बादाम ले रहे हैं। ओके आमंड। सो चाची अभी आमंड ले रहे हैं। और यहाँ गैस गर्म हो गया है, और यहाँ पर गैस अच्छे से गर्म हो गया है। नहीं गैस से तेल गर्म हो गया, गैस में गर्म होते ही तेल तेल गर्म हो गया है। सो ये शैलो फ्राई होना चालू हो गया है। उई सो ये शैलो फ्राई कर रहे हैं हमारे चाचू। तो चाचू आपको कैसा लग रहा है? एक नंबर मजा आ रहा है। ओके सबसे ज्यादा मजा तो इसलिए आ रहा है कि हमारे नया जो कैमरा मैन हमको ज्वाइन किया है तो वो भी अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है, बहुत अच्छा ही यू नो कमेंट्री कर रहा है। और चाची ये है वो हमारा कैमरा मैन, न्यू कैमरा मैन और न्यू छोटू कैमरा मैन। आपका नाम क्या है? परीन। पूरा नाम बताइए। परीन खत्री। और आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? फोर्थ में हो। फोर्थ पास हो चुके हो कि फोर्थ में गए हो? फोर्थ में गया। तो आपको ये वीडियो बनाते वक्त कैसा लग रहा है परीन? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है आपको? हाँ। ये लो। ओके सो अभी चाची ने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और चाची थोड़े से काजू डालने वाली है ये ड्राई फ्रूट्स को। अब चाची ये सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से पका के उसमें थोड़े से नमक काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से वो फ्रूट्स है हाँ रोस्ट करने वाले हैं, और इसका सैलेड बनाएंगे। सो चाचू ने ये कर दिया है। हाँ तो अभी ये हमने इसको फ्राई होने लगा दिया, अभी ये फ्राई होगा, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम थोड़ा वेट करेंगे जब तक ये फ्राई होगा। तो सो चाची आपने क्या लिया अभी? ये है काली मिर्च। ओके okay. और अभी चाचू लेने वाले है ढक्कन, ताकि वो अंदर तक पहुंच जाए। ओके सो ये सब रेडी हो गया है, और जब तक वो फ्राई हो रहा है तब तक के लिए थोड़ा रहे। सो ये अच्छे से पक गया है। अब चाचू आप इसको निकालने वाले हो है ना? चाचू निकालेंगे, इसको पलटाएंगे। ओके चाचू इसको पलटाएंगे ताकि वो दोनों साइड से पक जाए,
ताकि वो दोनों साइड से पक जाए अच्छे से। और हमारी चाची एक तरफ घी में रोस्ट करने वाली है ड्राई फ्रूट्स, तो चाची इसको रोस्ट करने में क्या क्या लगता है? घी, हाँ, ड्राई फ्रूट, ओके, काली मिर्च, ओके, और काला नमक, ओके। सो चाची ने इसकी रेसिपी बता दी, तब तक चाचू को देखते हैं, चाचू ने जो पका लिया। सो चाची ने वो सारे ड्राई फ्रूट उसमें डाल दिए और चाची उसको रोस्ट कर रहे हैं। और ये जो था फिश, फिश भी पकी है कि नहीं? सो देखो फिश पक चुकी है। चाचू बताना अच्छा लगा कि नहीं लगा? सो चाचू आपको अच्छा लगा? वाओ सुपर, वेरी वेरी टेस्टी। ओके सो हमारी चाची ने ड्राई फ्रूट्स के बहुत सारे मसाले डाल दिए जो आपको बताए थे, और चाचू ने इस पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट मिक्स हो जाए, इसको बहुत चिपका के बहुत आराम से फिश को हिलाना पड़ता है, नहीं तो सारी फिश नीचे चिपक जाती है। वो फिश नीचे चिपक जाएगी तो क्या होगा? फिश नीचे चिपक जाएगी तो जल जाएगी। सो हमारे चाचू ने सारी ट्रिक बता दी है इसकी। यस। और चाची ने भी बता दी है। नाइस। तो वो ले लो नॉनस्टिक। सो हमारे चाचू ने अभी ले लिया है नॉनस्टिक तवा। उसको पहले के लिए थोड़ा सा वॉश। उसको वॉश कर दिया। वॉश करके इसको अच्छे से सुखाएंगे। इसको इधर दे दो। सो चाचू ने अभी नॉनस्टिक तवा रख दिया है। और अभी हमारी फिश की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और हम वेट कर रहे हैं। और हम वेट कर रहे हैं कि ये कब कब बनेगी। ये देखो कितनी जूसी है। और हमारे चाचू अभी आप क्या ले रहे हो? बटर के बटर। बटर जो है सामने है थोड़ा। ओके। हाँ बटर है। लोगे ले लो। खत्म हो गया बटर परसों। ओके सो हमारे चाचू ने अभी इस पे थोड़ा सा बटर डाल दिया नॉनस्टिक तवे पे। चाची आपको। और ये एक तरफ ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो रहे हैं। और तेरा शो है तू बोल। ओके तो अभी चाचू ने इस पे अच्छे से रोटी कर सो चाचू ने इस पे रोटी अच्छे से कर दिए। ये वीट रोटी है, मतलब इस पे रोटी पे अच्छे से बटर लगा दिया है नॉनस्टिक तवे पे। सो चाचू ने अभी इस पे थोड़ा सा सॉस लगा दिया है। चाचू इसमें सॉस किस लिए लगाते हैं? टेस्ट के लिए। ओके और हमारा क्रिस्पी अभी ये क्रिस्पी फिश रेडी हो गई है। इसमें सॉस लगाया है हमने, अब उसको क्या टेस्ट करना है। ओके और चाचू अभी चाचू स्पून ले रहे हैं और इसको अच्छे से रोटेट कर देंगे, ठीक है, अच्छे से टेस्ट के लिए। ओके अच्छे से, और फिर
हम क्या करेंगे आगे का मैं उसके अंदर हम गुड़ मैदा डालेंगे। ओके ठीक है, वो भी टेस्ट करिए तो उसको भी हम मिला लेंगे। वाओ, अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारे फिश के पीसेस। चाचू इसमें एक पीस दे दो। एक पीस दे वो खाना। ये टेस्ट कर। सो अब इसमें लग गया है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब इसके अंदर डाल दिए थोड़े से शिमला मिर्च, फिर थोड़े टमाटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टमाटो, थोड़े से कटे हुए पत्ता गोभी और एक तरफ ये ड्राई फ्रूट्स तैयार हो रहे हैं। और चाचू ने अच्छे से इसमें प्याज और वो सब डाल दिया है। देखो कितना जूसी दिख रहा है। और इसके थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। सो चाचू आप इसके लिए क्या क्या रिव्यू देने वाले हो? इसमें आप क्या क्या रिव्यू देने वाले हो? रिव्यू तो आप दोगे। ये कैसा बना? ओके ठीक है, अभी एक सेकंड और इधर आ जाओ। तो हम क्या करेंगे इसको फोल्ड करने के लिए कैसा बोर्ड चाहिए। ओके सो अभी ये फोल्ड हो गया है। रेडी और ड्राई फ्रूट्स भी रेडी होने वाले हैं। ये देखो कितनी मस्त आवाज आती है ड्राई फ्रूट जब रेडी होते हैं तब। और ये चिकन भी रेडी हो गई, मतलब फिश भी रेडी हो गई है। फिश टेस्ट करी कैसी लग रही है? और ये हमारे कैमरामैन फिश खाएंगे बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हमारे फिश रेडी है, हमारे कैमरामैन खा चुके हैं, हमारा टाकोस एक रेडी हो गया है। हमारे कैमरामैन खाएंगे और इसका रिव्यू देंगे ये कैसा बना है। ओके ओवर टू यू कैमरामैन। ओके सो फिश बहुत टेस्टी थी और चाचू ने अभी थोड़ा सा इस पर लगा दिया है तेल और इस पर वापस से रोटी वही रेसिपी और चाची का रेडी हो गया है ड्राई फ्रूट्स। ओके तो चाची ने अब ये ड्राई फ्रूट्स रेडी कर दिए। तो हमारे कैमरामैन ने टाकोस रेडी होकर खा लिए, ये कुछ रिव्यू देना चाह रहे हैं। ये बहुत टेस्टी है और आप भी बनाना, बहुत टेस्टी है और आप भी खाना। हाँ सो आप भी रिव्यू देना इसका और कैसा लगा बताना। हाँ ड्रॉप योर कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। बाय चाचा भतीजे का यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो टाकोस, एक टाकोस बन गया था जो मैंने खा लिया और वो बहुत टेस्टी था। और अभी चाचू थोड़े से और फ्राई कर रहे हैं राउंड टू के लिए। राउंड टू के लिए यस। सो ये अच्छे से पक चुके हैं। ये पक चुके हैं, इसमें हम क्या करेंगे? धनिया डालेंगे। धनिया, ये देखो देखने में क्या स्वादिष्ट लग रहा है। टेस्ट करिए और इसमें डाल देंगे थोड़ा नींबू, थोड़ा ऊपर कर दो, थोड़ा ऊपर करो और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू टेस्ट के लिए। ठीक है, नींबू इज द बेस्ट। ठीक है तो देखो साइड में कितने अच्छे अच्छे बबल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा डालेंगे प्याज ऊपर से, सिर्फ थोड़ा सा। तो चाचू आपने इसको टेस्ट किया था तो आप भी इसके लिए क्या रिव्यू देने जाते हो?
यार बना तो बहुत अच्छा है टू बी ऑनेस्ट। अभी देखो इसको ऐसे रखने का तो थोड़ा सा प्याज का फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा धनिया का फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर, और वो मिल जाएगा बहुत अच्छे से। ये फिश है बहुत डेलिकेट आइटम है, तो इसको ना बहुत ही प्यार से, बिल्कुल प्यार से, जैसे बच्चों को ट्रीट करते ना वैसे प्यार से उसको बनाना पड़ रहा है। इसमें आपने थोड़ी जबरदस्ती भी खाई तो आपका काम खराब हो सकता है, तो इसको आपको बिल्कुल ही प्यार से बनाना है। बिल्कुल प्यार से आपको, जितना प्यार से बनाओगे वो आपको इतना प्यार देगी। सो चाचू आपको इस वीडियो में मजा आया? मेरे को बहुत मजा आया, आराम से मेरी ऑडियंस को भी मजा आएगा और हमारे कैमरामैन को भी बहुत मजा आया होगा, आया होगा, मजा आया होगा। सबको मजा दे दे। एक और प्लेट प्लीज। तो चाची अब आप क्या बनाने वाले हो? अब मैं बनाने वाली हूँ हमारे कैमरामैन के लिए स्पेशल शरबत। ओके स्पेशल ग्लास में। वाव ये है चाची और चाचू का कप, और ये है कैमरामैन परीन का कप। और चाची आप अभी इसमें क्या डालने वाले हो? ये है टैंग, ऑल टाइम फेवरेट, बच्चों से बूढ़े तक, बूढ़ों से फिर बच्चों से, सबको पसंद है टैंग। ये देखो ये यहाँ पर एक और टाकोस रेडी हो गया। सो एक और टाकोस रेडी हो गया है, क्या बात है। और चाची एक तरफ इसको बनाने वाले हैं। देखिए ओके, सो हमारे चाचू को थोड़ा सा चाट मसाला चाहिए। चाट मसाला डालने वाले हैं। जब इतना टेस्टी लग रहा है तो चाट मसाला डालने के बाद सोचो कितना टेस्टी लगेगा। अब वो तो हमें हमारे कैमरामैन फिर खाके बताएंगे। नहीं इस बार अब आप खाके बताओगे। और हमारी चाची ने टैंक बना दिया। और ये देखो और चाचू आपको बनाने में मजा आ रहा है? तुमको देखने में मजा आ रहा है? यस तो मेरे को बनाने में मजा आ रहा है। ये सो आप भी घर पर टाकोस बनाना और एंजॉय करना, और हमें जरूर बताना कि कैसा बना। बच्ची ने ये बना दिया है और मिक्स भी कर दिया। सो हम अब टीवी देखते देखते इसको एंजॉय कर रहे हैं। सो आप भी अपने घर पे बनाना और एंजॉय करना।